वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वाटर। सबसे पहले ये, जैसा कि आप जानते होंगे कि अर्थ पे ऑलमोस्ट 73% वाटर ही होता है, बट उसमें से जो वाटर होता है ओनली 1% फ्रेश वाटर होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन के लिए। बाकी जो 99% वाटर होता है वो मैरीन वाटर होता है, साल्ट वाटर होता है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते। और इसलिए ये वाटर जो होता है वो हमारे ऑल लाइफ प्रोसेसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि जो लिविंग सेल्स हैं उनमें तो 80% होता ही वाटर है, और वो उसकी सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा होता है, उसके गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन कर रहा होता है। उसके अलावा प्लांट्स की जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं लाइक फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन, उनमें वाटर बहुत ज़्यादा अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। इन प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए वाटर रिक्वायर होता है, मतलब विदाउट वाटर ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हो सकते। प्लांट टोटली अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए वाटर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट इज़ द फील्ड कैपेसिटी। सॉइल की फील्ड कैपेसिटी कितनी है वाटर की, मतलब ये कि वो कितना मैक्सिमम वाटर जो है वो सॉइल अब्जॉर्ब कर सकती है एक टाइम में, मैक्सिमम मतलब अपर लिमिट कितनी होती है वाटर की जितना वो स्टोर कर सकती है, कि उसके बाद मज़ीद उसमें स्पेस ही ना हो वाटर की, तो ये कितनी हो सकती है उसको हम फील्ड कैपेसिटी कहते हैं, कि अगेंस्ट द ग्रेविटी वो कितने वाटर को होल्ड कर सकती है। जैसा कि है कि इनफिल्ट्रेशन मतलब सैचुरेटेड वाटर कितना सैचुरेट हो सकता है, उसके अलावा उसको रिक्वायर होता है अगर कोर सॉइल है उसको कुछ घंटे लगते हैं, बट अगर फाइन सॉइल है बिल्कुल फाइन है प्लेन है तो उसको 2-3 डेज भी लग जाते हैं अब्सॉर्ब करने में वाटर को। उसके अलावा ये लार्ज और स्मॉल पोर्स पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और जो है वो वाटर और एयर जो होती है वो आइडियल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए, कि प्लांट ग्रोथ को रिक्वायर ही वाटर होता है, वाटर और एयर के बिना तो वो कर ही नहीं सकते अपनी ग्रोथ या दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ वाटर के बिना वो पूरी नहीं कर सकते। और उसके फील्ड कैपेसिटी की बात आती है कि उसकी कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है सोइल की, मतलब फील्ड कैपेसिटी में तो ये है कि वो कितना वाटर मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर सकती है, बट होल्डिंग कैपेसिटी में ये होता है कि वो वाटर को रिटेन कितने टाइम तक कर सकती है, कितने टाइम तक वो उसको रख सकती है। तो ये डिपेंड करता है सोइल पे, सोइल टू सोइल डिफरेंट करता है। जैसा कि अगर क्ले सोइल है तो उसको ज़्यादा टाइम तक वो उसमें रह सकेगा, जबकि अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें कम टाइम तक वो रहेगा, क्योंकि क्ले सॉइल ज़्यादा देर तक वाटर को रिटेन कर सकती है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है सॉइल टेक्सचर पे, सॉइल स्ट्रक्चर पे, ऑर्गेनिक मैटर पे, मतलब वही बात आ जाती है कि जैसा कि क्ले सॉइल और उसकी सैंडी सॉइल के हम एग्जांपल ले लेते हैं तो उनका सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिफरेंट होती है, तो इसी पे वो डिपेंड कर रहा होता है कि ये डिफरेंट है तो उसकी रिटेनिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी और फील्ड कैपेसिटी डिफरेंट होती है। जैसा कि ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि ये कोर सैंड है, इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, जबकि जो क्ले सॉइल है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसके, कि क्ले सॉइल में वाटर जो है वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन करता है एज़ कम्पेयर टू सैंड। एंड हेयर इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, मतलब वाटर की जो वाटर की बेस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है प्लांट्स की वो कौन कौन सी होती है। इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, एम्फीबियोफाइट्स, मीजोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स। अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये होते कैसे हैं प्लांट्स, इनको वाटर की कितनी अमाउंट रिक्वायर होती है, ये सारा कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोफाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, ये टोटली वाटर रिजर्वायर में ग्रो कर रहे होते हैं, जैसा कि लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, पॉन्ड वगैरह में। इनको फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है इनकी प्रेजेंस की बेस पे, जैसा कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं तो ये टोटली वाटर के सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में, उसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये रूटलेस होते हैं क्योंकि ये होते ही वाटर में, सॉइल में तो होते ही नहीं, स्टेम इनका सॉफ्ट होता है, इनमें कोई क्यूटिकल नहीं होती और स्ट्रोमेटा भी स्पेशल टाइप का प्रेजेंट होता है।
और इसके एग्जांपल में हाइड्रिला प्लांट्स आते हैं। और दूसरा है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं ये भी रूटलेस होते हैं और ये भी बिल्कुल वाटर के ऊपर फ्लो कर रहे होते हैं। सबमर्ज तो मर्ज होते हैं वाटर में, बल्कि ये जो होते हैं ये टोटली उसके ऊपर ही फ्लो कर रहे होते हैं और ये भी रूटलेस होते हैं। और लास्ट वन है फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स। फिक्स्ड है तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में एंकर्ड होती हैं, सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो इनके लीव्स होते हैं वो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं और इनमें वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं। और इसकी एग्जांपल में आती हैं मार्सीलिया प्लांट्स। नेक्स्ट इज़ द एम्फीबियोफाइट्स। एम्फीबियोफाइट प्लांट्स होते हैं, ये मॉइस्चर लविंग होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वाटर इनको रिक्वायर नहीं होता, बट इनको नमी चाहिए होती है, थोड़ी बहुत मॉइस्चर हो, मॉइस्चर इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव करते हैं। और ये इंटरमीडिएट आते हैं हाइड्रोफाइट्स के और मीजोफाइट्स के, मतलब ना ही तो इनको बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर है और ना ही बहुत कम वाटर रिक्वायर है। तो इसके एग्जांपल में आते हैं सैगिटेरिया प्लांट्स। नेक्स्ट इज द मीजोफाइट्स। जैसा कि मीजोफाइट्स, मीजो का मीन ही सेंटर होता है, बिटवीन। तो ये प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई प्लेसिस पे भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा वेट पे भी नहीं होते, मतलब इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट आप लगा लें, टेम्परेट रीजन जो होते हैं यहाँ पे ये ग्रो करते हैं और बहुत बेस्ट ग्रो करते हैं। और इनकी जो वेल डेवलप्ड रूट्स होती हैं और उसके अलावा इसका स्टेम भी बहुत इरेक्ट होता है, बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं और इनमें स्ट्रोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है और बहुत ज़्यादा इसमें ना डेफिशिएंसी जो है, वाटर डेफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि इनका एनवायरनमेंट जो है वो मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी नहीं होता। एंड द लास्ट वन इज़ ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, जैसा कि डेजर्ट, डेजर्ट में ये ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाटर शॉर्टेज होती है, बहुत बहुत देर तक इनको पानी ही नहीं मिलता। बट ये है कि ये इनका जो है वो सारा स्ट्रक्चर, इनके सिस्टम्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसकी सारा कुछ जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हुआ हुआ होता है। अडेप्टेशन इनमें बहुत ज़्यादा होती है, वेल डेवलप्ड अडेप्टेशन होती है कि ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही अडेप्ट कर जाते हैं। इनके स्मॉल थिक लीव्स होते हैं ताकि स्मॉल और थिक लीव्स इसलिए होते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया कम हो और जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो, वाटर लॉस कम हो, क्योंकि इनको वाटर मिल ही नहीं रहा होता तो इस वजह से इनका वाटर लॉस कम होता है। उसके अलावा थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, ये सारी अडेप्टेशन जो हैं ये वाटर स्टोरेज के लिए ही होती हैं कि वाटर लॉस को कम से कम किया जा सके। उसके बाद इसका जो स्ट्रोमेटा होता है वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्ट्रोमेटा जब ओपन होता है उसमें वाटर जाता है तो वाटर को सेव करने के लिए ही वो लोअर साइड पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये कि जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता है तो इनके जो लीव्स होते हैं वो शेड कर जाते हैं प्लांट से और जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है वो टोटली स्टॉप हो जाती है और इनमें जो फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है वो स्टेम में प्रेजेंट होता है ताकि वहाँ पे जो थोड़ा बहुत वाटर स्टोर है वो उसको यूज़ कर सकें, रेनी वाटर को वो उसमें स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम में और फिर उसको वो उसमें ड्राई सीजन्स में यूज़ कर लेते हैं। उसके अलावा इनमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन जो है वो वाटर स्टोरिंग सेल्स होते हैं जिनको सकुलेंट्स कहते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, मतलब कि सकुलेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें जो वाटर को स्टोर कर लेते हैं और ये बाद में हेल्पफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि वाटर किस किस के लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसके अलावा सॉइल की होल्डिंग, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी क्या होती है के डिफरेंट सॉइल्स का, उसमें हमने डिफरेंस पढ़ा। उसके अलावा हमने वाटर बेस पे उसकी जो प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है उनकी फोर टाइप्स पढ़ी, उनकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि वो कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं, कैसे कैसे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें कौन कौन सी अडेप्टेशन हो रही होती हैं ताकि वो उसमें सर्वाइव कर सकें अपने इन्वायरमेंट में और बेस्ट ग्रो कर सकें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम